हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये क्लास 9th का टॉपिक है और रेगुलर आपको कंफ्यूज होते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है, तो आज हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। इस साइड हम लोग मास को लिखेंगे और इस साइड हम लोग वेट को लिखेंगे, ठीक है। तो मास समझते हैं, मास क्या होता है, ठीक है। तो जनरली देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को तैयार होने में जितने भी तरह के अलग अलग क्वांटिटी लगे हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की क्वांटिटी लगे हैं, उसे हम मास कहते हैं। टोटल को कह देंगे तो मास कह देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपने शरीर की बात करें तो हम लोग के शरीर को कंप्लीट होने में, ठीक है, हाथ लगे हैं, पैर लगे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरनल सब्सटेंसेस है, तो सारे चीजों को मिला देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को तैयार होने में, ठीक है, एक देखिए व्हाइट रंग का पूरा पोर्शन लगा है, एक आपको कैप लगे हैं और एक आपको यहाँ पे इंक वाले पॉइंट लगे हैं, और इसके अंदर में भी एक सब्सटेंस होता है, एक बॉडी होती है जो इंक को ऑब्जर्व करती है। तो देखिए, इस पूरे को मिला देंगे तो ये हमारा इस मार्कर का मास कहलाएगा, ठीक है। The quantity of matter, तो जनरली वो हमारा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी is called the mass of the body। बहुत ही सिंपल है, जो भी क्वांटिटी इस मैटर में कंटेन्ड है वो उसका मास कहलाएगा। The quantity of matter contained in a body is called the mass of the body, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं। अभी मास को समझ लिया, अब हम लोग वेट को समझ लेते हैं। तो वेट क्या कहता है, तो वो वेट समझते हैं सिंपल सा। देखिए, आप ग्रेविटी के बारे में जानते होंगे, तो ग्रेविटी अ टाइप ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स होगा ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, ऐसा फोर्स जो अर्थ के द्वारा अप्लाई होती है। तो देखिए, हम भी एक बॉडी है तो हमारे ऊपर भी अर्थ के द्वारा ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो वेट हमारा क्या होगा, हम अगर बोले कि मेरा वेट क्या होगा, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो आप वेट को कैसे डिफाइन करिएगा, वेट को आप कैसे डिफाइन करिएगा, तो बोलिएगा द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड The weight of the body। अब लंबा सा लाइन है, ये आपको समझ में आया नहीं समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं समझा देता हूं फिर से। क्या बोल रहा है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा भी एक फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, अर्थ भी मुझ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, अर्थ जो फोर्स अप्लाई करता है तो वो हमेशा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ फोर्स को अप्लाई करता है। तो हम पे जो फोर्स अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है वही हमारा वेट होता है, समझिए। जो फोर्स अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी पे अप्लाई होगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वही उसका क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी होगा। तो मास होता है जो बॉडी को कंटेन करता है, मतलब पूरी बॉडी किस तरीके से बनी है, ठीक है। तो सारे को जोड़ेंगे तब हमारा मास निकलेगा, और वेट जो होगा वो एक टाइप का फोर्स होगा जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, अभी आपका डिफरेंसेस खत्म नहीं हुआ, अभी आप छोटा सा चीज जाने आगे बढ़ते हैं। देखिए, मास जो हो गया वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मास ऑफ अ बॉडी
रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए आपको पता होगा मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप चांद पे जाते हैं ठीक है, तो आपका जो वेट होता है वो 1/6 वहां हो जाता है। तो 1/6 क्यों हो जाता है, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 हो जाती है। ठीक है, फिर से मून की जो ग्रेविटी है, अब वेट अभी आगे आप लोग पढ़िएगा, वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू जी, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो हमने बात की कि जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है। तो जब 1/6 हो जाए कहां पे, मून पे, तो जो आपका यहां पे होगा उससे वहां का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे अगर कोई भी चीज 10 kg की है तो वहां हो जाएगी 10/6, अगर 60 kg है तो वहां पे हो जाएगी आपको 36 kg। 1/6 का अंतर आपको आता है। ठीक है, तो जनरली आप बस समझिए कि मास ऑफ अ बॉडी जो होता है वो आप यहां पे मेजर करो या वहां मेजर करो, मतलब मेजर करने का मतलब जो भी बॉडी, मान लीजिए ये मार्कर को बनने में जो भी चीजें यहां लगी है वही चीजें चांद पे भी होगी, वही चीजें किसी भी यूनिवर्स में भी होगी। ठीक है, तो ये मार्कर जैसा यहाँ पे कंटेन किया हुआ, जितनी बॉडी को यहाँ कंटेन किए हुए उतना ही मैटर को वहां भी वो कंटेन करेगा, उतना ही बॉडी में को वहां भी क्वांटिटी में कंटेन करेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे जाएगा तो मार्कर छोटा हो जाएगा। ठीक है, जितनी यहाँ पे तैयार करने में इसको बॉडी को लगी है उतनी ही वहां भी होगी, लेकिन वेट जो है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द वेट ऑफ अवर बॉडी, द वेट of a body changed, yeah, the weight of a body changed place to place। मतलब जैसे जैसे आप जगह चेंज करिएगा उस बॉडी की वेट भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी अलग अलग जगहों पे। अब आइए तीसरा एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी नेवर बी जीरो। कभी भी मास ऑफ अ बॉडी, जो इस बॉडी को बनने में जो भी क्वांटिटी लगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। बट अगर हम बात करें वेट की, वेट की, तो क्या वेट जीरो हो सकता है, आप बताइए, तो वेट जीरो हो सकता है कहां पे हो सकता है, तो वेट आपका जीरो हो सकता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अब आइए एक और दो पॉइंट है उसको भी समझ ले सकते हैं। देखिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन यहां पे डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बार बार बोला जा रहा है फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जनरली यहां पे डायरेक्शन है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वेट इज अ, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखना है ये सब छोटे छोटे पॉइंट से, बट याद रखने वन वर्ड में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मास को कैसे मेजर करते हैं, मास इज मेजर्ड इन केजी, इन केजी। मास को आप कैसे मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, बट वेट को आप कैसे, वेट इज measured in kg newton, क्या बोलते हैं, kg newton, kg और sorry kg weight या फिर newton में आप इसको measure करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि force है तो इसको हम newton में measure करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और छोटा सा चीज, आप मास को कहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है, कहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है, किससे मेजर करते हैं, तो मास इज मेजर्ड बाय
बीम बैलेंस, किससे हम लोग बैलेंस करते हैं, बीम बैलेंस से आप मेजर करते हैं, ठीक है। मास इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, ठीक है, और वेट जो है वो आप वेटिंग मशीन या स्प्रिंग मशीन पे भी मेजर करते हैं। तो वेट इज मेजर्ड बाय वेटिंग मशीन और स्प्रिंग मशीन। कहां पे मेजर किया जाता है, वेटिंग मशीन पे या फिर आप इसे स्प्रिंग मशीन पे मेजर कर सकते हैं। बट मास हमेशा बीम पे मेजर होती है, बीम बैलेंस पे मेजर होती है। मास की जो क्वांटिटी है वो केजी में मेजर होती है, और यहां वेट आपका केजी वेट या फिर न्यूटन में मेजर होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास कभी भी किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता है, बट वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो आपका जीरो होगा। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट वेट आपका चेंज टू प्लेस आपका क्या होगा, चेंज होगा। और मास आप समझ गए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, मतलब इस बॉडी में जो भी क्वांटिटी में आपके मैटर कंटेन है वो उसका मास होगा। लेकिन वेट जो होता है, फोर्स होता है एक टाइप का, जो अर्थ के द्वारा अपने सेंटर के तरफ लगाया जाता है, वही हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे मास और वेट में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जरूरी है, और नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।